नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल चार बार नवरात्रि आती है, जिनमें से दो गुप्त रूप से तो दो सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है। माघ माह की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, जिसे माघी नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि फरवरी 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना की तिथि और मुहूर्त क्या है, अष्टमी कब है, नवमी तिथि कब है और साथ ही पारण कब करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, माता चिन्नमस्ता त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। ये नवरात्रि तांत्रिक क्रियाओं एवं शक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें नवरात्रि का महत्व जानने वाले साधक इस दौरान विशेष साधना कर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि 2021 में प्रारंभ होगा 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को और समाप्ति होगी 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को। घट स्थापना का समय व मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। घट स्थापना की तिथि है 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 8:34 से 9:54 तक। कुल अवधि रहेगी घट स्थापना की 1 घंटे 25 मिनट की। दुर्गा अष्टमी है 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार को, वहीं दुर्गा नवमी है 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को। पारण का समय रहेगा 21 फरवरी 2021 दिन रविवार को दोपहर 3:42 के बाद। तो ये थी जानकारी माघ गुप्त नवरात्रि की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।